कागज के कप से आप एक बहुत सुंदर फिरकी बना सकते हैं। इसके लिए एक फेंका हुआ कागज का कप, एक लंबी डंडी, एक स्ट्रॉ, गूंद और एक कटर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले कागज का कप लें और उसको उसके व्यास के ऊपर आधे में काटें। इस तरह से कप के दो भाग हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद एक आधा टुकड़ा लें और उसको भी आधे में काटें। इससे आपको दो चौथाई कप के टुकड़े मिलेंगे और इस फिरकी के अंदर इन दोनों चौथाई टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों टुकड़ों को मिलाएं और उनमें एक और सुई से एक सुराख कर दें। उसके बाद एक सख्त स्ट्रॉ लें और उसके अंदर भी एक सुई से छेद करें। इस स्ट्रॉ के अंदर एक लकड़ी की डंडी डालें और लकड़ी की डंडी के दोनों छोरों के ऊपर इन चौथाई कपों को घुसा दें। इन कपों को डंडी से जोड़ने के लिए उनमें गोंद लगाएं, जिससे वो पुख्ता तरीके से ये कप डंडी के साथ जुड़ जाए। फिर इस स्ट्रॉ को एक गोल डंडी के अंदर डाल दें। अब आपकी फिरकी तैयार है। अगर इसको पंखे में रखेंगे तो वो गोल गोल करके घूमेगी। बहुत ही मज़ेदार है ये फिरकी। इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप चाहें तो इस फिरकी को रंगों से, कलर टेप से रंग दे सकते हैं और उसके बाद पंखे में रखते ही ये फर फर करती हुई घूमेगी।